हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। हफ्ते का पहला दिन और निफ्टी और बैंक निफ्टी देखे तो ओवरऑल एक साइडवेज काइंड ऑफ पैटर्न ही था। सिंपल वे में कहे तो थोड़ा सा बोरिंग सा फेज ही आज देखने को मिला निफ्टी में ज़्यादा करके। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देख लेते। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे लास्ट वीडियो में, वो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल का ये जो रेंज था ये टूटा और फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। और फर्स्ट टारगेट को आप देख सकते हो, जबरदस्त इसने पेनेट्रेट किया, काफ़ी देर तक पेनेट्रेट कर रहा था, आधा घंटा, और ये ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से ये ऊपर उठा और ऊपर जाते वक्त ये जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा था। और क्लोज भी देखिए कहाँ पर हुआ है, जो हमने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल मार्क किया था उसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो जो लेवल्स मार्क किए थे निफ्टी के लिए वो अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकती है ये देखते हैं। उससे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में अभी क्या सिनारियो बन रहा है। डेली चार्ट में ये जो कैंडल बनी है 16 नवंबर की, इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। 2 दिन इसी के रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा है, इसके लिए हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल मिल गया है इस कैंडल का हाई और लो। अभी पैटर्न भी अपसाइड मोमेंटम का बन रहा है। 20, 50, 100 ये तीनों मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में आ चुके हैं और इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे कि हमने पास्ट वीडियोज में भी यहाँ पर एक हर्डल जो है 19,850 का ये यहाँ पर मार्क किया था, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। और नीचे अभी जहाँ पर दिए दोनों मूविंग एवरेजेस क्लब हो रहे 19,470 के आसपास है, तो यहाँ पर एक फर्स्ट सपोर्ट बन सकता है। तो नीचे 19,470 का सपोर्ट है और ऊपर 19,850 का रेजिस्टेंस है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। 60 मिनट के चार्ट में आज देखा ये सुबह में ये पिंक लाइन टूट गई, लेकिन जब फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था पूरा दिन इस पिंक लाइन को इसने पेनेट्रेट किया, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा आज के लो के जस्ट नीचे 19669, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी 19653 और सेकेंड टारगेट होगा 19630, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड ये पिंक लाइन जो है इसके जस्ट ऊपर 19722, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 19742 और सेकेंड टारगेट होगा 19764, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लगभग उसी 200 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन ट्रेड हो रहा था। सुबह में ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट आप देख सकते हो अचीव हुआ। यहाँ पर भी फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। ब्रेकआउट लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया तो नीचे ब्रेकडाउन लेवल ने सपोर्ट का काम किया। तो 200 पॉइंट के रेंज के बीच में पूरा दिन ट्रेड हो रहा था। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज अच्छे 2-3 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो वहाँ पर शेयर किए थे। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर भी हम 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट यहाँ पर देखो कि ये अभी तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे फिर से आ चुका है। तो यहाँ पर कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल जो होगा ये अराउंड आज के लो के जस्ट नीचे 43455, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 43394 और सेकेंड टारगेट होगा 43326 का। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 43657, फर्स्ट टारगेट होगा 43718 और सेकेंड टारगेट होगा 43776, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए।
वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, अंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पर कॉल करना है हमें ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके।